फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है, स्वागत है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। स्वागत है। स्वराज का स्वागत योग्य कदम जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उठाया है उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब किताब चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए, अब पढ़ाई चाहिए, अब आईएएस बनने की व्यवस्था है, इंजीनियर बनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अंदर बेटियाँ कैसे पढ़ पाएं, कैसे आगे बढ़ पाएं, कैसे आगे निकल पाएं, उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। ना कि मुझे हिजाब पहनना है या मुझे कोई और ऐसी वेशभूषा डालनी है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को दर्शाने का प्रयास करूं। मैं ना दर्शाऊं मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये जरूर दर्शाऊं कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा। और उस ढंग से जो बेटियां हिजाब की बात करना चाहती हैं, आज उसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों के धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा गया। और खास करके स्कूल के अंदर, जब आप स्कूल के अंदर जाएं, स्कूल के अंदर क्लास में बैठें, तब हिजाब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको अधिकार है, आप अपनी धार्मिक परंपरा के अंदर कैसे भी रहने का प्रयास कर पाएं वो आप करते रहें, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म के अंदर हमको यूनिफॉर्म पहन करके आना है, वहाँ के शिष्टाचार को पहनना है, शिष्टाचार को अपनाना है, और वहाँ के तौर तरीकों के अंदर कोई धार्मिक उन्माद हमको फैलाने का प्रयास नहीं करना होगा। इसलिए हाईकोर्ट के निर्णय के अंदर हम लड्डू बांट रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ये निर्णय पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो ताकि ये जो उन्माद फैलाने की बातें हैं इसका समाप्तिकरण हो पाए और एक अच्छी राह पर शिक्षा के ढांचे, शिक्षा के स्कूल अच्छे ढंग से पढ़ाई कराने का प्रयास कर पाए।